हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्रेयसी एंड यू वाचिंग माय चैनल श्रेयसी टिप्स, जहाँ से मैं हर रोज शेयर करती हूँ ब्यूटी टिप्स, इंटीरियर डेकोरेशन टिप्स और कभी कभी डेली लाइफ टिप्स भी। अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड बाजू में जो बेल आइकन होते हैं उसको भी प्रेस कर लीजिएगा वीडियो की नोटिफिकेशन पहले पाने के लिए। तो आज के टॉपिक है स्किन टोनर। घर में जो इंग्रेडिएंट्स मौजूद रहते हैं उसे दो तीन इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके हम कैसे इतना आसानी से एक टोनर बना सकते हैं और वो टोनर इतना ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देते हैं कि आपके सामने एक महीने के अंदर आ जाएगा कि कितना ज़्यादा एक ग्लोइंग सा स्किन, एक नेचुरल ग्लो लुक जिसको बोलते हैं, वो लुक आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं मैं किस तरह से वो टोनर को प्रिपेयर करती हूँ। पहले 3 टेबलस्पून गुलाब जल लूँगी यहाँ पर। फिर इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून ग्लिसरीन। ग्लिसरीन और गुलाब जल को ठीक से मिक्स कर लीजिए। ग्लिसरीन के जो स्टिकी स्टिकी भाव रहते हैं वो रहना नहीं चाहिए। फिर इसमें ऐड करूँगी लेमन। लेमन ज़्यादा नहीं लेना, जस्ट इतना सा ही लेना है, कोई ड्रॉप्स। 3 इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लीजिए। आपकी जो टोनर है अब तैयार हो गया है। ये जो लिक्विड अब तैयार हो गया है ये अच्छे से क्लीनिंग और टोनिंग दोनों का काम ही अच्छे से कर सकते हैं। एक कॉटन बॉल लीजिए और इसको नेक पर आपके फेस पर अप्लाई कीजिए। देखिए कॉटन बॉल पर जो डस्ट आ जाएगा, स्किन पर फेस पर जो डस्ट होता है वो आ जाएगा। तो अच्छे से क्लीनिंग भी कर सकते हैं और टोनिंग भी। फ्रेंड्स, आप सब देखा मैं यहाँ पर यूज़ किया हूँ लेमन। तो हम सब जानते हैं मेरे हर वीडियोस पर, मेरे हर ब्यूटी टिप्स पर मैं बार बार एक बात बोलती हूँ कि जब सनलाइट होते हैं तब यूज़ मत करो लेमन जूस को या लेमन को मत यूज़ करो। तो हम जब सनसेट के बाद हम लेमन यूज़ कर सकते हैं। तो अब अगर नाइट में पूरी नाइट इस लेमन जूस वो टोनर में मिक्स करके लगाए तो इससे ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट तो मिल ही जाते हैं हम सबको। तो फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई करना इस टोनर को, होममेड टोनर को। मेल और फीमेल सबके लिए है। जिसके स्किन ऑयली है वो भी यूज़ कर सकते हैं और जिसके स्किन में नींबू या लेमन सूट नहीं करते हैं वो लेमन को बाद रखकर, लेमन को साइड पर रखकर जस्ट ग्लिसरीन और जो रोज़ वाटर में यहाँ पर मिक्स्ड किया हूँ तो इन दो इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर यूज़ कर सकते हैं। तो लेमन उसके लिए लेमन तो बाद ही रख दीजिए जिसको लेमन शूट नहीं करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ।